आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुलदीप नायर की। पत्रकारिता का अगर इनको पितामह बोले तो गलत नहीं होगा। जर्नलिज्म को एक नए आयाम पे ले गई है। ऑथर, पॉलिटिकल कमेंटेटर एंड अ जर्नलिस्ट, पीस एक्टिविस्ट, बहुत सारे रोल्स कुलदीप नायर ने अदा किए। लाल बहादुर शास्त्री के साथ हमेशा रहे। इनफैक्ट बहुत लोगों का तो ये भी मानना है कि लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने में कुलदीप नायर का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने एक स्टोरी लीक कर दी थी मोरारजी देसाई की और लगा कि मोरारजी देसाई बहुत एम्बिशियस हैं, तो 100 वोट कट गए थे उनके। और मोरारजी देसाई और कुलदीप नायर की ये जो मतलब खींचतान है वो आखिरी तक चलती रही। इमरजेंसी में इन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ लिखा। जब कोई भी प्रेस रिपोर्टर इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था, तब कुलदीप नायर एक अकेले थे जो नहीं झुके। बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर है दोस्तों, अटल जी के बहुत ही अच्छे दोस्त। बस यात्रा, जब अटल जी लाहौर में बस यात्रा कर रहे थे 1998 में, ठीक है, वो वाला जो समय था, और अटल जी जो थे वो सब पॉलिटिशियंस को लेके जा रहे थे, तो कुलदीप नायर ने बोला था कि आप जा रहे हैं पाकिस्तान, आप पॉलिटिशियंस को क्यों लेके जा रहे हैं, आर्टिस्टों को लेके जाइए, आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से लोगों को लेके जाइए। तब अटल जी ने इनकी बात मानी थी। हमेशा इंसानियत को ऊपर रखते थे ये। जो हमारे और पाकिस्तान के बीच में खटास है उसको बहुत कम करने की कोशिश करते थे। क्यों? क्योंकि इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, तो इनको पता था ये जो बॉर्डर है ये सही नहीं है। धर्म के नाम पे 10 लाख लोगों को मारा गया, जो पार्टीशन हुआ, लेक्चर है मेरा सेपरेट, देख लीजिएगा, बिल्कुल सही नहीं है। कुलदीप नैयर ने बहुत सारी किताबें लिखी है। यूएनआई के बहुत बड़े ये मेंबर थे, ठीक है, और एक तरीके से पूरा एडिटर और सब यही देखते थे, ठीक है, और यूएनआई बहुत बड़ा एक प्रेस क्लब था अगर बात करें, मतलब प्रेस ग्रुप था, ठीक है। तो कुलदीप नायर की आज हम बहुत सारी चीजें देखेंगे और देखेंगे इनका जीवन जो रहा है, और बहुत सारी स्टोरीज देखेंगे कि क्या इन्होंने एक्सपीरियंस किया बियॉन्ड द लाइंस। वैसे जो इनकी किताब है वो इनकी आत्मकथा ही है, इनकी बायोग्राफी ही है एक तरीके से, ठीक है, तो हम इनके बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से, मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पर चेक की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, अपने नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। दोस्तों अगर हम इनकी बात करें तो इनका जन्म 14 अगस्त 1923 में हुआ था, ठीक है ना, ये 14 अगस्त 1923 में जन्मे थे सियालकोट पंजाब में, उस समय पंजाब में था, अब तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में भी जो स्टेट है, ठीक है, वहां पे 5 स्टेट है, आपको पता ही है, मैंने कई बार ये बताया भी है, तो वहां पे सबसे बड़ा पंजाब है, ठीक है, जिसकी कैपिटल लाहौर है। तो अभी सियालकोट पंजाब में है, लेकिन पार्टीशन से पहले सब कुछ भारत में था, तो सियालकोट में इनका जन्म हुआ। अब इन्होंने जो इनकी अपनी जो पढ़ाई है वो क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर से ही की है, लाहौर के रहने वाले थे भैया ये, लाहौर में इनका पूरा बचपन बीता, तो जाहिर सी बात है वहां से बहुत लगाव था मिट्टी से, जहां से, जहां पे आपका बचपन बीता है, जहां पे आप पले बड़े हैं, आपकी दोस्ती वही रही है, तो वहां से आपको लगाव हो ही जाता है। अब 1947 में क्या हुआ, एकाएक इनको दिल्ली आना पड़ा, भागना पड़ा पाकिस्तान से, दरियागंज में रहते थे, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ था दोस्तों, इन्होंने अच्छे खासे एजुकेटेड थे ये, ठीक है, बीए कर लिया था क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर से, इन्होंने पढ़ाई कर ली थी, एलएलबी थी, क्लर्क की नौकरी नहीं करना चाहते थे, तो दरियागंज में पास में कबाब की दुकान थी, तो वहां पे जाते थे, कबाब खाते थे डेली, ठीक है। तो वहां पे एक आदमी आया और इनको डेली आते हुए देखता था, तो आदमी इनके पास आता है, बोलता है कि तुमको मैं डेली देखता हूं, तुम कुछ काम वाम नहीं करते हो, थे भी बड़े स्मार्ट थे, मतलब अगर कुलदीप नायर की बात करें तो पढ़े लिखे बहुत और बड़ी चार्मिंग पर्सनालिटी थी, मतलब अगर 1000 लोगों में कुलदीप नायर खड़े हैं तो आप इनको बिल्कुल स्पॉट कर लेंगे, ठीक है, ऐसे थे, तभी तो इतनी बड़ी पोजीशन पे। ये जो पर्सनालिटी का दम होता है ना, और ये जो होती है, कहते हैं ना कि वो एक परसोना जो होता है पर्सनालिटी में, ये बहुत कम लोगों में होता है ना। कहने का मतलब ये है कि जो जिनमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, जो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, वो अलग ही दिखते हैं, उनको आप अलग से ही स्पॉट कर लेंगे कि ये अलग ही है, ऐसे कुलदीप नायर थे। तो कुलदीप नायर के पास वो आदमी आता है, उसका नाम था यासीन, है ना, और वो इनसे बातचीत करना शुरू कर दिया। तो इनसे बोला कि क्या है, क्या करते हो, नौकरी नहीं करते हो, तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, लेकिन नौकरी, मैं क्लर्क की नौकरी नहीं करना चाहता। तो जब और बातचीत होने लगी तो इन्होंने बताया, कुलदीप नायर ने, कि मुझे उर्दू भी आती है, मुझे अंग्रेजी भी आती है, मुझे हिंदी भी आती है। तो वो जो इंसान था जो इनसे बात कर रहा था यासीन, वो एक अखबार का मालिक था, उस अखबार का नाम था अंजाम, तो एक उर्दू रिपोर्टर को ढूंढ रहे थे वो। तो उन्होंने फिर बोला कि तुम एक काम करो, तुमको क्लर्क बनना नहीं है तो तुम हमारे साथ काम करो, रिपोर्टिंग करो। और वहां से 1947 के बाद से इनका ये जो सफर है वो शुरू हुआ जर्नलिज्म का। बहुत रोल्स इन्होंने किए हैं, ये जर्नलिज्म थे भैया, जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग है वो इन्होंने ही तो शुरुआत की, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग, पॉलिटिकल
पॉलिटिकल कमेंट्री जो है वो उसकी शुरुआत उन्होंने की, जो खबरें आती थी हमको कैसे पता चलता है कि आज 1960 में ये हो गया, मीटिंग में ये हो गया, वो कुलदीप नैयर ने बहुत कुछ किया उसमें, बहुत सारी स्टोरीज जो है वो कुलदीप नैयर जर्नलिस्ट यही तो करते थे उस समय, कुछ भी पता चलती थी क्योंकि जर्नलिस्ट क्या होते, जर्नलिस्टों का पॉलिटिशियन से कॉन्टैक्ट होता है, कोई खबर आई, कोई सीक्रेट मीटिंग आई, वो खबर लीक कर दी जाती है, पब्लिश कर दी जाती है या रिपोर्ट कर दिया जाता है वो, ठीक है ना। तो कुलदीप नैयर तो पॉलिटिशियंस के बिल्कुल साथ चलते थे, सरकारी महकमे में भी थे ना बाद में, कुलदीप नैयर ने तो एग्जाम निकाल लिया था, सरकारी महकमे में आ गए थे, तो कुलदीप नैयर तो लाल बहादुर शास्त्री के साथ साथ चलते थे। इनफैक्ट जब लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हुआ तब तो कुलदीप नैयर साथ ही थे, पिछली रात उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री से बात की जब वो सोने गए थे, ठीक है। तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इनके कॉन्टैक्ट थे, लेकिन वही बता रहे ना कि बहुत ही अनबायस्ड रिपोर्टर थे। तो दोस्तों अब इनकी जर्नलिज्म की शुरुआत हो गई 1947 के बाद। अब 1947 के बाद जब इनकी शुरुआत हुई तो इन्होंने जो पहली रिपोर्टिंग की थी वो इन्होंने गांधी जी पे की थी, गांधी जी का जो मर्डर हुआ था, गांधी जी को जो गोली मारी हुई थी, अब जो एसासिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, इस पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, 1948 में जो हुआ था, ठीक है, गोडसे ने गोली मारी थी, वो पूरा मैंने एक एक पॉइंट वाइज मैंने कवर किया है कि क्या हुआ था, एक एक वक्त क्या हो रहा था शाम के समय। तो कुलदीप नैयर उसको कवर करने गए। अब जब कुलदीप नैयर कवर करने गए तो बकायदा वो देख सकते थे कि जब महात्मा गांधी जी का देहांत हुआ तो घासें दबी हुई और खून के धब्बे, ये सब कुलदीप नैयर को दिख रहा था, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैंने आपको बताया था जब वो लेक्चर लिया था कि 2 घंटे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी से मुलाकात की थी, और जब उनको पता चला कि गांधी जी का देहांत हो गया, बहुत ही सदमे में चले गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, ये कुलदीप नैयर खुद बताते हैं, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, उनकी किताब में भी और उनके इंटरव्यूज, क्योंकि मैं बहुत इनको फॉलो करता रहता हूँ, तो इनके इंटरव्यूज जितने भी ये देते हैं, तो यहाँ पे फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं मेरी गलती है, क्योंकि मैं अगर बापू को नहीं बचा पाया तो फिर ये गलत है, मतलब इट्स नॉट राइट। तो वहाँ जवाहरलाल नेहरू ने बोला, जवाहरलाल नेहरू वही जवाहरलाल नेहरू जिनको भर भर के कोसा जाता है, जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि बिल्कुल नहीं, मैं कोई इस्तीफा मंजूर नहीं करूंगा, हम साथ मिलकर काम करेंगे, जो हो गया सो हो गया, गांधी जी ने जो कुर्बानी है उनकी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, ठीक है, हम साथ मिलकर काम करेंगे, साथ में मिलकर देश को बनाएंगे। तो ये अब उसके तुरंत बाद दंगे हो गए उसी रात। तो क्या हुआ कि जिस अखबार में काम करते थे कुलदीप नैयर, तो वो दंगे को रिपोर्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि कुलदीप नैयर को लग रहा था कि इससे सांप्रदायिकता का माहौल जो है, मतलब गलत माहौल फैल जाएगा, ठीक है, इससे हो सकता है हिंसा और भड़क जाए। तो जब इन्होंने ये बताया, जो एडिटर होते हैं उन्होंने बताया कि मैं इसको रिपोर्ट नहीं करना चाहता, मैं रीडर को नहीं बताना चाहता जो न्यूज पढ़ता है। तो इनसे पूछा जो यासीन थे, जो मालिक थे उस अखबार के, कि क्यों, मतलब ऐसा क्यों, ठीक है, मतलब जिस फर्म के लिए काम करते थे। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं ये दंगे के बारे में बताऊंगा तो और ज्यादा चीजें खराब हो जाएंगी। तब यहाँ पे यासीन ने बोला कि देखो बेटा, हमारा काम है रिपोर्टिंग करना, सच या झूठ हमको बताना पड़ेगा, जैसी भी खबर होगी हमको छापनी पड़ेगी। तो ये कुलदीप नैयर का पहला लेसन था जर्नलिज्म में, जर्नलिज्म को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। कुलदीप नैयर से जब पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है, क्योंकि आप ऑथर भी रहे हैं, आपने पूरी दुनिया घूमी है, आप राज्यसभा के भी मेंबर हैं और आपने पॉलिटिकल कमेंटेटर भी रहे हैं, तो और जर्नलिस्ट भी रहे, तो सबसे अच्छा क्या, वो बोलते जर्नलिस्ट, जर्नलिज्म मुझे सबसे अच्छा लगा, पत्रकार में पत्रकारिता जो है वो मैंने सबसे ज्यादा इसलिए इंजॉय की क्योंकि उससे आप लोगों को बदल सकते हैं, लोगों का माइंड चेंज कर सकते हैं, असर दिखता है इमरजेंसी के दौरान। दोस्तों इमरजेंसी की अभी मैं बात करूंगा, कुलदीप नैयर तो साफ मना कर दिया था कि मैं नहीं झुकूंगा, प्रेस सेंसरशिप के खिलाफ खड़े हो गए थे और इनको जेल में डाल दिया था, अभी वो भी पूरा सिलसिलेवार से उस वाक्य को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां से इनकी पत्रकारिता जो है वो शुरू हुई, और पहला लेसन था कि जो है वो दिखाओ, एज इट इज दिखाओ, लोगों को जागृत करो। अब उसके बाद दोस्तों इन्होंने, अभी तो इन्होंने जर्नलिज्म में कोई कोर्स नहीं किया, एक बार हजरत मोहिनी से मिलने गई है, ठीक है, तो हजरत मोहिनी से मुलाकात की तो उन्होंने बोला कि देखो यार, उर्दू का, क्योंकि उर्दू में लिखते थे ये, मतलब उर्दू ही रिपोर्टर थे पहले, तो उर्दू का कोई खास स्कोप नहीं है भारत में, हालांकि वो गलत साबित हुए, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कुलदीप नैयर से, तो तुम अंग्रेजी की तरफ जाओ, तो अब अंग्रेजी की तरफ जाए और साथ ही साथ कोई कोर्स कर लो। तो ये चले गए अमेरिका, अमेरिका पढ़ने चले गए, अमेरिका में शिकागो में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, स्कॉलरशिप खाली एक दिन की मिलती थी, नाम मात्र की थी, तो वहां पे चले गए। अब वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया दोस्तों, स्ट्रगल क्या किया, जब ये शिकागो में गए, परिवार के पास कोई खास पैसा तो है नहीं ना, इनके पास कोई खास पैसा है, ठीक है, अच्छा हाँ, जब ये उस समय न्यूज में काम कर रहे थे, मतलब
जो अंजाम न्यूज़पेपर था उसमें जब ये काम कर रहे थे तब इनको 100 रुपए प्रति माह मिलता था। अब 100 रुपए उस समय में बहुत होते थे, 5-6 हजार आज के, अब आज के जमाने के 5-6 हजार। अब आपको लगेगा कि 5-6 हजार तो आजकल बहुत सारे बच्चों की पॉकेट मनी होती है, लेकिन दोस्तों उस समय कोई फालतू खर्चा नहीं था, ठीक है, मॉल्स बने नहीं थे और इतना कोई आलिशानी कारें थी नहीं और कोई मतलब लोगों के पास स्कूटर भी नहीं थी, तो इतना कोई खास खर्चा उस समय होता नहीं था, तो 5-6 हजार रुपये पूरा सेव ही हो जाता था, ठीक है। तो कुलदीप नैयर को बहुत अच्छा लगा क्योंकि इससे पहले उन्होंने काम नहीं किया था, अरे पहली बार था जब वो जर्नलिज्म कर रहे थे, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए जर्नलिज्म को स्टडी करने के लिए डिग्री तो होनी चाहिए ना, मास कम्युनिकेशन में आप डिग्री तो लेंगे ना, तो वो चले गए अमेरिका, ठीक है। तो वहां पे इन्होंने मिडिल स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से स्टडी की। अब वहां पे जैसा कि मैंने बताया इनके पास पैसे नहीं थे, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, घर से पैसे आ नहीं रहे, स्कॉलरशिप भी इनको बहुत ही कम मिलती थी, तो वहां पे इन्होंने बहुत सारे ऑड काम किए। इन्होंने वहां पे हॉस्टल में, एक हॉस्टल में इनको, क्योंकि शुरुआती के 2 दिन दोस्तों इनको खाना तक नसीब नहीं हुआ था, सिर्फ इन्होंने ब्रेड खाई थी, दिक्कत कैसे, पैसे है नहीं, कैसे गुजारा होगा। तो जो हॉस्टल था, एक हॉस्टल था शिकागो में ही, वहां पे ये काम करने लगे। अब जब ये हॉस्टल में काम करते थे तो वहां पे बर्तन वर्तन मांज देते थे, खाना इनको फ्री मिल जाता था। फिर शिकागो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हुआ करती थी, तो बिल्डिंग्स को साफ करते थे ये, ऊपर जाके वो होते ना कि बिल्डिंग्स 50वें माले पे चले गए और वहां पे शीशा साफ कर रहे, तो वो करते थे। और बताते कुलदीप नैयर, मैं ऊंचाई से बहुत डरता हूं, तो मैं नीचे नहीं देखता था, बहुत डर लगता था। तो ऐसे काम किया और फिर अपनी पढ़ाई जो है वो पूरी की, उसके बाद ये भारत वापस आए। अब जब भारत वापस आए दोस्तों, तो उस समय पॉलिटिकल 1963 से पहले पॉलिटिकल रिपोर्टिंग नहीं होती थी, क्या हो रहा है अंदर कैबिनेट में, क्या हो रहा है वो अंदर ही तक सीमित रहता था। लेकिन कुलदीप नैयर, यहां पे हम देखते हैं कि जब सरकार से जुड़े हो और जब स्पेशली जब लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू से जुड़े, तब चीजें बदल गई, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के साथ उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, लाल बहादुर शास्त्री के साथ भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लाल बहादुर शास्त्री के तो बहुत अच्छे दोस्त थे, लाल बहादुर शास्त्री को कुलदीप नैयर ने बोला था, क्योंकि आपको पता ही शास्त्री जी की किताब का मैंने रिव्यू किया है, आप जरूर देखिएगा, मतलब शास्त्री जी की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है पूरी की पूरी। तो कुलदीप नैयर, मतलब शास्त्री जी बहुत ही ईमानदार, वो ज्यादा पैसे थे नहीं, मतलब उनके पास ज्यादा पैसे नहीं रहते थे शास्त्री जी के पास, जो सैलरी मिलती थी एक पॉलिटिशियन की, जो सैलरी होती थी बस उसी से ही गुजर बसर होता था, ठीक है। अब वो कितनी मिल होती है, ठीक है, एक एमपी की सैलरी आज तो बहुत है, उस समय कोई खास नहीं थी, तो पैसे नहीं थे। तो कुलदीप नैयर ने शास्त्री जी को बोला कि आप मुझे एक आर्टिकल दो, आप मेरे लिए आर्टिकल लिखो, अब आर्टिकल लिखना शुरू कर दो। तो शास्त्री जी ने बोला मैं किस पे आर्टिकल लिखूं, तो कुलदीप नैयर ने बोला कि अरे आप बहुत चीजों पे आर्टिकल लिख सकते हो, आप लाला लाजपत राय को बहुत अच्छे से जानते हो, आप लाला लाजपत राय पे आर्टिकल लिखो। तो यहां से शास्त्री जी ने ये आइडिया लिया और शास्त्री जी ने आर्टिकल देने शुरू किया और 2000 रुपए मिलते थे शास्त्री जी को, तो शास्त्री जी बहुत खुश, पैसा भी आ रहा है। और बहुत सारे पॉलिटिशियंस इस दौरान इसमें आर्टिकल्स लिखने लगे, लेकिन मुरारजी देसाई के साथ इनकी बनी नहीं। अब उस समय आपको पता ही था कि कामराज प्लान चालू था, अब के कामराज और पूरा ये सब मैंने कवर किया है दोस्तों, तो इतना डीप में तो मैं नहीं जाऊंगा, आप देख लीजिएगा, सबकी बायोग्राफी अवेलेबल है, ठीक है। तो इधर कामराज प्लान चालू था। अब जैसे ही जवाहरलाल नेहरू का देहांत होता है, अगला प्रधानमंत्री कौन, मुरारजी देसाई, ये सभी को पता है, महत्वाकांक्षी इंसान थे, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। मुरारजी देसाई की कहानी मैंने बताई है, उनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, इनफैक्ट भारत के सारे प्रधानमंत्रियों की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। तो मुरारजी देसाई बनना चाहते थे प्रधानमंत्री। अब कुलदीप नैयर जो है वो, उन्होंने खबर लीक कर दी थी, खबर छाप दी थी उन्होंने, ठीक है, कि उसमें ये ऐसा लिख रहा था, उस आर्टिकल में ऐसा लग रहा था कि मुरारजी देसाई जो है वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और वो कुछ मतलब शायद साजिश रच रहे हैं। अब ये जब कांग्रेस वोटिंग होनी थी क्योंकि कि कौन दावेदार होगा, और जब वोट पड़े तो 100 वोट जो है मुरारजी देसाई के कट गए और जीत गए इसमें लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री एक तरीके से अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो कुलदीप नैयर की वजह से प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन कुलदीप नैयर को इसको इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मैंने ऐसा क्या छाप दिया, मैंने ऐसी कौन सी, मेरा जो काम था वो मैं किया, मैंने जो लिखा वो मैंने। तो कुलदीप नैयर को यहां पे सेकंड लेसन मिलता है, ठीक है, क्योंकि यहां पे फिर मुरारजी देसाई से रिश्ते बहुत खराब हो गए थे। मुरारजी देसाई ने बोला था जब 1977 में जनता पार्टी जब आई थी इमरजेंसी के बाद, मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, तो कुलदीप नैयर उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने गए थे, तो मुरारजी देसाई ने बोला था कि अरे यार छोड़ो, उस समय तो मेरा काम कर देते तो मैं तभी प्राइम मिनिस्टर हो जाता, 1964 की बात हो रही थी, ठीक है। तो ये जो खटास रही ना, ये हमेशा रही कुलदीप नैयर और मुरारजी देसाई की, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री से बहुत अच्छे रिश्ते थे, जैसा कि मैंने बताया, लाल बहादुर शास्त्री के साथ बिल्कुल घूमते थे, हर जगह जाते थे, चीजों को ऑब्जर्व करते थे, ठीक है, और ब्रीफिंग देते थे। यहां तक कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हुआ था तब भी ये उनके साथी थे, है ना, मतलब तब नहीं साथ थे कि मतलब जब उससे एक
तीन चार घंटे पहले इन्होंने बात की थी, जब ये सोने गए थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना, ताशकेंट में, आपको पता ही ना ताशकेंट एग्रीमेंट में, वो जनवरी में पूरा 1966 में, किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि हमारे प्रधानमंत्री का ध्यान ऐसे होगा, जंग जीत के आए थे। और ये तो अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अब मैंने बहुत सारे इसमें लेक्चर्स लिए हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी की बायोग्राफी द ताशकेंट फाइल्स आप जरूर देखिएगा, लाखों लाखों लोग उसे देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद यूएनआई से काम करना इन्होंने शुरू किया, स्टेट्समैन के साथ काम करना इन्होंने शुरू किया। यूएनआई और पीटीआई के बीच में थोड़ा सा, क्योंकि उस समय जो ये खबरें थी वो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया देखता था, और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूएनआई उस समय नया नया था, और कुलदीप नैयर ने यूएनआई को ले लिया। अब कुलदीप नैयर जो थे वो चाहते थे कि जो खबर है वो हम ले, मतलब जो पॉलिटिक्स की खबरें हैं वो हम ले, पीटीआई चाहती थी वो हम चलाए, तो थोड़ा बहुत डिस्प्यूट रहा, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली यहां पे हम देखते हैं कि कुलदीप नैयर ही इसमें जीते, और बहुत सारे उन्होंने आर्टिकल्स पब्लिश किए, इनफैक्ट बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी यहां पे आर्टिकल्स पब्लिश करने लगे थे। लेकिन ये जो वाक्या हुआ था मोरारजी देसाई के साथ, ये इन्होंने ये सीख लिया था कि जो शब्द हैं, शब्द बहुत ज्यादा गहरा असर डालते हैं, शब्द को बहुत ही ध्यान से चूज करना पड़ेगा वरना दिक्कत होगी। तो ये चीज है, समझ रहे हैं। अब यहां पे इंदिरा गांधी का जमाना आ गया, लाल बहादुर शास्त्री जी का ध्यान इंदिरा गांधी आ गई। अब जब इंदिरा गांधी आई तो इंदिरा गांधी और कुलदीप नैयर के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे। अब इसका रीजन जो है वो इमरजेंसी था भैया। 1975 में जब इमरजेंसी लगी, प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी थी। अब संजय गांधी और इमरजेंसी सब मैंने कवर किया है, संजय गांधी की भी बायोग्राफी अभी एक महीने पहले कवर की है। तो प्रेस सेंसरशिप यहां पे लागू कर दी थी, तो इधर पे कुलदीप नैयर इसके खिलाफ थे, और कुलदीप नैयर ने यहां पे बहुत सारे रिपोर्टर्स को, प्रेस क्लब में जितने भी रिपोर्टर्स थे उनको इकट्ठा किया और बोला कि आप ये पेपर पे साइन करो और ये चिट्ठी पे साइन करो, और आप बोलो कि आप प्रेस सेंसरशिप, मतलब ये गलत है ना, कि प्रेस को कैसे दबाया जा सकता है, गलत है बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों ने, 103 लोगों ने साइन किए, 103 लोगों ने बकायदा साइन की और प्रेस सेंसरशिप के खिलाफ खड़े हुए कि प्रेस को आप नहीं दबा सकते। लेकिन ये बात जब संजय गांधी तक पहुंची तो उनको खास पसंद नहीं आया। संजय गांधी के खास आदमी ने फोन किया और बोला कि बेटा वो लव लेटर कहां है, कुलदीप नैयर से बोला कि लव लेटर कहां है। तो उन्होंने बोला कौन सा लव लेटर, बोला कि भाई प्रेस सेंसरशिप वाला, ये उस समय का जमाना नहीं है, बात को समझो, तुम हमारे दोस्त हो, समझो बात को, अबे संजय गांधी का जमाना है, समझ रहे हो, प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कुलदीप नैयर ने साफ मना कर दिया ना, और बल्कि इंदिरा गांधी के साथ कुलदीप नैयर के पर्सनल रिश्ते थे। इंदिरा गांधी को तो बहुत कम उम्र से कुलदीप नैयर देखते आ रहे थे, आना जाना था नेहरू जी से, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार के करीब, शास्त्री जी के करीब, नेहरू जी के करीब, तो डेफिनेटली इंदिरा के करीब होंगे ही होंगे, बहुत अच्छे रिश्ते थे, अपने इंटरव्यू में बताते हैं। लेकिन वही चीज है ना कि जब पावर आ जाती है तो सारे रिश्ते साइड में। तो यहां पे कुलदीप नैयर तो खाली अपना काम कर रहे थे कि प्रेस सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद यहां पे जो प्रेस सेंसरशिप के लिए खड़े हुए कुलदीप नैयर ने आवाज उठाई, और शायद यही एक ऐसे रिपोर्टर थे जो, हालांकि और भी होंगे, लेकिन 90% रिपोर्टर्स ने बिल्कुल भी कुछ भी बोलने से मना कर दिया कि मैं नहीं बोलूंगा सरकार के खिलाफ, सरकार जेल में डाल देगी। और यही हो रहा था, जो भी बोल रहा था इमरजेंसी के खिलाफ उसको जेल में डाला जा रहा था। और यहां पे दोस्तों कुलदीप नैयर को भी पता चलता है कि इनको भी जेल में बंद किया जाएगा, जेल में बंद किया जाएगा। इनको एक दिन पहले इत्तला दी जाती है कि देखो कल तुम्हारे रेड पड़ने वाली है, छापा पड़ने वाला है, ठीक है, घर पे कुछ भी हो तो हटा दो। कुलदीप नैयर तो खैर पढ़े लिखे इंसान, इंटेलेक्चुअल, किताबों के सिवा इनके पास क्या था। तो अगले दिन पुलिस आती है, कुलदीप नैयर ने बोला कि ठीक है छान लो, जो लेना है ले लो। तो उन्होंने बोला कि सर हम छापा मारने नहीं आए, हम आपको अरेस्ट करने आए। कुलदीप नैयर ने बोला ठीक है मैं अभी तुम्हारे साथ जेल में चलता हूँ, थाने चलता हूँ, तिहाड़ जेल में बंद किया गया था यहाँ पे कुलदीप नैयर को। लेकिन उससे पहले इनके फ्रिज में दो आम थे, तो दो आम खाया इन्होंने और उसके बाद गए। अब जब ये पुलिस स्टेशन गए तो वहां पे जो आईपीएस था, ठीक है, जो वहां पे आईपीएस ऑफिसर था वो खड़ा हो गया और कुलदीप नैयर के पैर छुए उसने, और कुलदीप नैयर को बोला कि मैं आपको फॉलो करता हूं सर, मैंने आपकी किताबें पढ़ी हैं, बस चले तो मैं आपको 5-स्टार होटल में ठहरा हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑर्डर्स हैं सर, मुझे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। तो कुलदीप नैयर ने बोला कोई बात नहीं, आपके ऑर्डर्स हैं, आप बिल्कुल उसको मानिए, मैं कुछ कह थोड़ी ना रहा हूं। तो यहां पे फिर कुलदीप नैयर को जेल में ले जाया गया। जेल में जब गए तो वहां पे खाना बहुत खराब, वो दाल जो थी वो उसमें मक्खियां ही भिनभिना रही थी, जो दाल होती थी उस समय तिहाड़ जेल की। तो कुलदीप नैयर ने बोला अरे मैं कैसे खाऊंगा, तो यहां पे बोला कि अब यही खाना पड़ेगा आपको, कुछ दिनों तक तो यही खाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो बाद में कुलदीप नैयर बताते कि मुझे उस दाल की आदत पड़ गई है ना, वो मैं जो दाल थी वो फ्लाइज वाली, ठीक है, वो जो मक्खियां भिनभिना रही थी वो मैं खाने लगा। और इधर मेरे बगल में एक पॉलिटिशियन बैठे थे जो इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ रहे थे, बाद में जनता पार्टी में भी आए, तो उन्होंने बोला
कि मैं तुमको अचार दे दूंगा, परेशान मत हो, तुम ये दाल खा लो, उसके बाद अगर तुमने खा लिए, ज्यादा कंप्लेन नहीं की, तो मैं तुमको अचार दे दूंगा। तो ये ऑन अ लाइटर नोट, 3-4 महीने तक जेल में रहे, उसके बाद इनकी पत्नी चली गई सुप्रीम कोर्ट, हबीस कॉर्पस, ठीक है, और उसके बाद फिर इनको छोड़ा गया। लेकिन झुके नहीं है, झुके नहीं है, इंदिरा गांधी और इमरजेंसी के खिलाफ, जो डिक्टेटरशिप थी उसके खिलाफ बोलते रहे, समझ रहे हैं। और सिंडिकेट कॉलम्स, बहुत सारे सिंडिकेट कॉलम्स इन्होंने लिखे, ठीक है, वही जो सिंडिकेट, मतलब यही जो पॉलिटिशियंस लिखते थे, कांग्रेस के पॉलिटिशियंस लिखते थे। अब एक तबका तो यहां पे सपोर्ट करता था, जो शास्त्री, कुलदीप नैयर के बारे में फेमस हो गया था कि शास्त्री का आदमी है ना, तो एक तबका तो शास्त्री जी को, मतलब कुलदीप नैयर को सपोर्ट करता था, लेकिन जो इंदिरा गांधी के साथ थे, जो कि मेजोरिटी थी, वो कुलदीप नैयर को सपोर्ट नहीं करता था। ऊपर से मुरारजी देसाई भी कुलदीप नैयर को सपोर्ट नहीं करते थे, तो मैक्सिमम जो थे पॉलिटिशियंस वो कुलदीप नैयर के खिलाफ थे। और बोला जाता था कि इसका कुछ करो, इसका कुछ कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब इन द कंस्ट्रक्टिव वे में, ऐसा नहीं कि मार दो, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन जो सिंडिकेट कॉलम्स लिखे जाते थे, इन्होंने अपने ढेर सारे जो 80 न्यूज़पेपर्स के लिए काम करते थे, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस को बताते, इंडियन एक्सप्रेस के लिए इन्होंने काम किया, तो रामनाथ गोयनका जी का वो पेपर था, तो बताते कि बहुत ही बढ़िया था, मतलब इंडियन एक्सप्रेस का काम उन्होंने मुझे पूरी खुली छूट दे रखी थी कि जो भी लिखना है लिखो, तो वो बहुत अच्छा था। तो बहुत सारे हम देखते हैं कि द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, ठीक है, सॉरी द एक्सप्रेस ट्रिब्यून था, द गार्जियन, द न्यूज, डॉन, प्रभा सखी, इन सबके लिए, प्रभा साक्षी, इन सबके लिए उन्होंने काम किया, ठीक है ना। तो ये चीज है, भारत और पाकिस्तान का क्या है, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे हों, ये हमेशा कुलदीप नैयर जो है वो बोलते थे कि रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जन्मे थे। इनफैक्ट इन्होंने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से 2 सवाल किए थे, ये बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि बंटवारा हो। उन्होंने पूछा था यहां पे, पहला सवाल ये पूछा था कुलदीप नैयर ने कायदे आजम से, जब बंटवारा हो रहा था, कि आप एक बात बताइए, ये जो बंटवारा हो रहा है कैसे जहर नहीं फैलेगा, और ये जो जहर है ना, ये इतना ज्यादा फैल जाएगा लोगों के मन में बस जाएगा। और वही चीज हुई है, पाकिस्तान और भारत के लोग एक दूसरे को ऐसा दुश्मन मानते हैं कि पूछिए नहीं। तो यहां पे जो जहर फैलेगा, इसको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा सवाल ये था कि आप एक बात बताइए, तीसरा जो, अगर मान लीजिए कभी भारत के ऊपर तीसरी कंट्री अटैक करती है, तब आप क्या करेंगे, ये कुलदीप नैयर ने कैदे आजम से पूछा। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला, तब हम आपका साथ देंगे, हमारे फौजी आपके साथ लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये जो, ये जहर को निकालना बहुत मुश्किल हो गया अब तो ये भी पाकिस्तान से हमेशा चाहते थे कुलदीप नैयर की बहुत अच्छे रिश्ते हो। अटल जी से बहुत अच्छे रिश्ते थे इनके, अटल जी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे, साथ में कचौरियां खाते थे दोनों लोग, ठीक है ना। तो ये चीज है, और बहुत सारे इन्होंने इनिशिएटिव भी लिए थे। 14-15 अगस्त जब भारत का आजादी का दिन होता है, पाकिस्तान का भी आजादी का दिन होता है, तो रात में दोनों लोग मिलकर सेलिब्रेशन करते थे वाघा बॉर्डर पे। ये कुलदीप नैयर ने ही स्टार्ट किया था, ठीक है ना, और उनके लिए भी काम किया था, भारत और पाकिस्तानी कैदियों के लिए काम किया था, जो जिनको अभी तक दोनों सरकारों ने छोड़ा नहीं है, ठीक है ना, उनके लिए भी ये काम करते थे। तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे ये, है ना, एक्टिविस्ट भी थे, और उसके बाद फिर राज्यसभा में भी चुने गए दोस्तों, ठीक है। ये भारत की तरफ से इन्होंने बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व किया, दोस्ती यात्रा निकाली, ठीक है, और जो बस सर्विस थी, जो पहला कदम था इतने दिनों बाद, जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, अटल जी और नवाज शरीफ के बीच में 1998 में, वो भी इन्होंने शुरू किया, ठीक है। इन्होंने, मतलब इन्होंने बहुत सारे उसमें अपने इनपुट्स दिए, जिसको अटल जी ने माना। अब इनका जो देहांत है वो 23 अगस्त 2018 में हुआ दोस्तों, 95 साल के थे, ठीक है। तो ये है, और इन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी बियॉन्ड द लाइंस लिखी, 2012 में पब्लिश हुई, पद्म भूषण मिला है इनको। साथ ही साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, 15 किताबें लिखी है इन्होंने, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसमें से मैंने कुछ किताबों का रिव्यू किया हुआ है दोस्तों। सबसे पहले ये द मार्टियर भगत सिंह एक्सपेरिमेंट्स इन रेवोल्यूशन, इसका रिव्यू है, और उसके बाद ये विदाउट फियर द लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह, मैंने इसमें कुछ किताबें पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना, इन जेल पढ़ी है, ठीक है, और ये बियॉन्ड द लाइंस पूरी नहीं पढ़ी है, और ये जो 2000, ये मतलब इसका तो रिव्यू, ये दो किताबों का तो स्टडी आईक्यू पर रिव्यू अवेलेबल है। लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।